इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे बेदला खुर्द गांव में एक ब्राह्मण परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, लेकिन अभी तक मदद के हाथ आगे नहीं आए। बेदला गांव के सुखदेवी नगर निवासी सोमनाथ जोशी रेलवे विभाग में कार्यरत थे, लेकिन लगातार अवकाश पर रहने की वजह से 1982 में नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में शरण ली, लेकिन उनके वकील ने ही उनके साथ धोखाधड़ी कर दी और पैसे लेकर भाग गया, जिसके बाद उनकी पत्नी ने लोगों के घरों में काम करके इस परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन गत वर्ष वो भी चल बसी और अब इस ब्राह्मण परिवार पर संकट आ गया। जी, आपकी ये पारिवारिक स्थिति कितने समय से खराब है? 1982 से। जी, 1982 तक आप क्या कार्य करते थे? रेलवे में था 1982 के पहले। जी, किन वजहों से नौकरी छोड़नी पड़ी? मतलब हमारा जो मतलब रेलवे अधिकारी था उससे जरा कहा सुनी हो गई थी मेरी, तो उस कहा सुनी के उसने जो है ये मुद्दा दुश्मनी का बना लिया, तो वो मेरे पीछे लग गए और उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। जबकि बड़े बड़े उनसे अधिकारी थे, उनको भी मैंने अपील की थी, लेकिन उनकी वजह से ही मतलब जो है उनको मतलब अधिकारी ने अधिकारी को सपोर्ट किया, मेरी अपील की हुई भी अधिकारियों ने नहीं सुनी। जो लिखा था अपील के अंदर उस पर गौर नहीं किया किसी ने। 2021 तक आपकी वाइफ जो घरों में काम करके आप लोग आपका और आपके बच्चे का भरण पोषण कर रहे थे, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे। कितना समय हो गया भोजन करे हुए? कम से कम नहीं तो 3-4 दिन से ज़्यादा हो, पहले 2-3 दिन हो गए थे मेरे को। जी, खाना वाना नहीं खाया उसके बाद। तो सुना आपने, उम्र के इस पड़ाव में भी सोमनाथ जोशी को भूखा रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सोमनाथ जोशी के बेटे कन्हैयालाल जोशी से, जो खुद मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और कुछ भी काम करने में असमर्थ हैं। अपना नाम बताएं और ये चोट के निशान किस प्रकार के हैं? जी सर, ये तो मुर्गी के है। अच्छा, मिर्गी की बीमारी है आपको? मुर्गी, जी जी। कितने वर्षों से? मेरे को 2018 था। जी, उससे पहले कहीं काम करते थे आप? जी, मार्बल का काम करता था, चौकीदार का भी करता था। अच्छा, लेकिन मार्बल का इसके छोड़ दिया गया, एक्सीडेंट हो गया था, जो सील टूट के ना लग गई थी ये पे, ही पैर पे। अच्छा, जो फिर मैंने छोड़ दिया कि बोझ का काम होता ही नहीं है मुझसे। जी, फिर मैं चौकीदारी करने लग गया सर। तो सुना आपने, 85 वर्षीय सोमनाथ जोशी का बेटा पहले मार्बल फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक हादसे के बाद उन्हें गंभीर चोट आई और उसके बाद वो कोई भी काम करने की स्थिति में नहीं है। अब आपको मिलवाते हैं सोमनाथ जोशी की बेटी रानी शर्मा से, जिसने अपने परिवार की हर संभव मदद की, लेकिन उनके पति का भी देहांत हो गया। परिवार की दास्तां बताते हुए रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि हमने जहां भी न्याय की गुहार लगाई धोखा ही मिला। पिताजी की रेलवे नौकरी को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो वकील को देने के लिए ब्याज के पैसे लाए थे, लेकिन वकील पैसे लेकर भाग गया। मैं आगरा रहने वाली हूँ, आगरा की, और मेरे मम्मी पापा यही रहते थे, तो मेरे मम्मी पापा पर कुछ था ही आने को, तो इसने मम्मी काम करती थी बंगले में फतेहपुरा, तो मम्मी पूर्ति पाड़ती थी इनकी ला के। अब मम्मी शांत हो गए, अब ये भाई और मम्मी दोनों अब कहीं लायक नहीं रही है, और मेरे भी हस्बैंड शांत हो गए, अभी 3 महीने हुए, तो मैं भी नहीं कुछ कर सकती हूँ। और मैंने 10% ब्याज से पैसा निकलवाए, तो मैंने इनका वकील भी करा, तो वकील ही पैसे खा गई जोधपुर की, उसने भी कुछ नहीं करा केस का। मैंने कहा कैसे भी करके इनका केस का वो हो जाए, तो वो भी कुछ नहीं होया। और इसको फोन करती हूँ तो ये बोलती है कि और लाओ 20,000 रुपए, तब तुम्हारा केस लड़ूंगी। इसने कोई केस फेस नहीं लड़ा और पैसे खा गई, और ब्याज वाले मेरे परेशान कर रहे हैं मुझे। जी, कितना समय हो गया आपको ब्याज चुकाते हुए? मुझे है गए 4 साल। 4 साल से आप 10% ब्याज चुका रहे हैं? 10% ब्याज चुका रही हूँ। कितने 1,000 रुपए लिए आपने? मैंने लिए 40,000, वो भी 10 कीमती थे,
तो फिर उसके भी ब्याज दिए, फिर थोड़े बहुत पैसे भी दिए काम कर करके। मैं भी बंगले में काम करने जाती हूँ जी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपसे 10-10% ब्याज लिया? वो खटीक समाज के ही हैं। अच्छा ठीक है, अभी आप आम जनता से या किसी संगठनों से कोई अपील करना चाहेंगी चैनल के माध्यम से? हाँ, करना चाहती हूँ। मेरे मेरे पापा की या मेरे भाई की सहायता करो। जोशी परिवार की माली हालत को देखते हुए पड़ोसियों ने भी काफी मदद की। इस खबर को लेकर जब उदयपुर न्यूज की टीम बेदला खुर्द पहुंची तो पड़ोसियों ने हाथ जोड़कर इस परिवार की मदद के लिए शहरवासियों से अपील की है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस ब्राह्मण परिवार तक मदद पहुंचती है। हाय, स्टार्टअप की पहली दिवाली मुबारक हो। संजीव, वाओ। वैसे what you have done to this place now, the energy, the people, I love it. सोच रहा था मैं भी आ जाऊं। हाँ, इंटरव्यू के लिए तो आ ही सकते हो। इंटरव्यू इसके बाद भी? इस त्योहार में खूबसूरती एक नई शुरुआत वाली लगे ऐसे जैसे पहली दिवाली। अलेख्या बाई तनिष्क।